शादी मुबारक हो आप दोनों को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग को स्क्रिप्ट प्रोवाइड करूंगी ताकि आप घर बैठे अपने आप को ऑडिशन के लिए तैयार कर सकें। अभी तक कि मैंने साक्षी और राजीव के कैरेक्टर की स्क्रिप्ट आप लोगों को दी है, और लड़कों को जो मैंने स्क्रिप्ट दी थी उनसे ये कहा था कि आप लोग ऑडिशन रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा, जिनका भी सबसे अच्छा ऑडिशन होगा उन लोगों का ऑडिशन मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करूंगी। अभी मुझे ऑडिशन लोग भेज रहे हैं, कुछ ही मुझे ऑडिशन आए हैं, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि और लोगों के ऑडिशन आए तभी मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके ऑडिशन शेयर करूंगी। वेल, आज के इस वीडियो में मैं लड़कियों को भी स्क्रिप्ट देने वाली हूँ, पूरी स्क्रिप्ट समझाऊंगी, और लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने जो लड़कों को राजीव वाली स्क्रिप्ट दी थी, जो राजीव का कैरेक्टर था वो अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से बात कर रहा होता है और वो ये कह रहा होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। अब जो राजीव की गर्लफ्रेंड श्वेता थी उस कैरेक्टर की मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है, आज आप लोगों को मैं वही स्क्रिप्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। यहाँ पर जो श्वेता का कैरेक्टर है वो राजीव की शादी में गई है और राजीव की शादी किसी और से हो रही है, तो वो राजीव की शादी में जाती है, किस तरीके से बात करती है उस पर पूरी स्क्रिप्ट है। इससे पहले मैं आपको स्क्रिप्ट पढ़ के दिखाती हूँ कि आखिर स्क्रिप्ट में जो लाइन्स मैंने लिखी हैं वो क्या हैं, फिर मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट समझाऊंगी कि ये कैरेक्टर कैसा है, किस तरीके से बात कर रही है, इसकी टोन क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। श्वेता कहती है, शादी मुबारक हो आप दोनों को। सॉरी, मैं आपके लिए तोहफा नहीं लाई, मैं सिर्फ राजीव के लिए तोहफा लाई हूँ क्योंकि मैं आपको अपना सबसे कीमती तोहफा दे चुकी हूँ। घूर क्या रहे हो, जो सच है वही तो कहा। आप सोच रही होंगी मेरा और राजीव का क्या रिश्ता है। अगर सच बोलूँ तो जिस जगह आप बैठी हैं उस जगह मुझे होना चाहिए था, पर दो प्यार करने वालों के बीच अमीरी और गरीबी आ गई। अब मैं आपको समझाती हूँ ये जो श्वेता का कैरेक्टर है वो कैसा है। जो श्वेता है वो काफ़ी चुलबुली है, काफ़ी प्यारी है और काफ़ी बड़बड़ करती है। बस उसे एक गलती ये हो गई है कि उसने किसी से सच्चा प्यार कर लिया, और उसकी एक ये गलती है कि वो अमीर नहीं वो गरीब है, और उसको अगर प्यार भी हुआ किसी ऐसे शख्स से जो अमीर है। और जो राजीव के घर वाले हैं वो चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से हो जो उनका स्टैंडर्ड मैच कर सके, और श्वेता अमीर नहीं है गरीब है, इस वजह से उन्होंने श्वेता को रिजेक्ट किया है। और यहाँ पर राजीव अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, और इसी वजह से राजीव ने किसी और से शादी करने का डिसीजन लिया और वो शादी कर रहा है। यहाँ पर श्वेता शादी में जाती है और ये सोचती है कि एक बार हो सकता है कि राजीव उसे देख करके पिघल जाएगा, वो शादी को तोड़ देगा। जिसके बाद वो यहाँ पर जब जाती है वो देखती है दूल्हा दुल्हन साथ में बैठे हुए हैं, और वो ये सोचती है कि शायद इन दोनों की शादी हो गई है, और वो ये कहती है, जो दोनों को मुबारकबाद देती है, कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। जिसके बाद वो कहती है, एक टोन देती है कि लड़की से, वो जो उसकी दुल्हन बनी उससे कहती है कि मैं आपके लिए तोहफा नहीं लाई, मैं सिर्फ राजीव के लिए तोहफा लाई हूँ क्योंकि मैं आपको तो अपना सबसे कीमती तोहफा दे चुकी हूँ। वो ये कहती है कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, बेपनाह मोहब्बत करती थी, जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था उसे मैं आपको सौंप चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई। और फिर उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड है राजीव, वो अपनी गर्लफ्रेंड को घूरता है, ठीक है, कि मतलब ये क्या बोल रही है। तो वो ये कहती है, घूर क्या रहे हो, जो सच है वही तो कहा, मतलब जो सच है मैंने वही कहा, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, इसमें घूरने की क्या बात है। फिर यहाँ पर वो जो दुल्हन है वो दोनों को मतलब ऐसा देखती है कि मतलब ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद ये लड़की छेड़ करके बोलती है, जो दुश्वेता है वो दुल्हन से बोलती है, आप सोच रही होंगी ना मेरा और राजीव का क्या रिश्ता है। फिर कहती है, टोन देती है यहाँ पर, जिस जगह आज आप बैठी हो उस जगह मुझे होना चाहिए था, मतलब मुझे दुल्हन बन के यहाँ पर बैठना चाहिए था राजीव के साथ, लेकिन मैं क्यों नहीं बैठी। दो प्यार करने वालों के बीच अमीरी और गरीबी आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजीव बहुत अमीर है और श्वेता बहुत गरीब है। जो राजीव की फैमिली वाले हैं वो चाहते हैं कि श्वेता के साथ राजीव की शादी ना हो, राजीव की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो अमीर हो और जो उनके स्टैंडर्ड को मैच कर सके, और श्वेता उनमें से एक नहीं है। इसी वजह से राजीव किसी और से शादी कर लेता है और यहाँ पर श्वेता उनकी शादी में पहुँचती है। चल, आप इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से समझ गए। अब आपको करना ये है, लड़कियों को ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, आपको बैकग्राउंड अच्छा रखना है, वॉइस को अच्छा रखना है। जिन लड़कियों का भी ऑडिशन मुझे अच्छा लगेगा मैं उनका ऑडिशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करूंगी और मैं खुद भी ये ऑडिशन लोगों को भेजूंगी। अब आप लोगों के पास एक हफ्ते का टाइम है, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना टाइम इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि अभी आप नए हो, आपको काफ़ी चीज़ समझने में टाइम लगेगा। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करूँगी कि आज मैंने स्क्रिप्ट दी और कल ही मुझे ऑडिशन चाहिए, नो।
आप अपना टाइम लो, आराम से इस स्क्रिप्ट को समझो, इस कैरेक्टर को समझो, जितना अच्छा इस कैरेक्टर को समझ सकते हो उतना अच्छे से समझ के ऑडिशन मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये स्क्रिप्ट समझ में आई, आपको ये कैरेक्टर अच्छा लगा, और अगर आपको ये कैरेक्टर अच्छा लगा, स्क्रिप्ट समझ में आई, तो आप ऑडिशन रिकॉर्ड करिए, मुझे भेजिए। आपके ऑडिशन को मैं सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने वाली हूँ। आपको ऑडिशन मुझे ईमेल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। अगर आप किसी कारण से ईमेल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना ये, आप इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट पर आपको वीडियो शेयर करनी है बना करके और मुझे टैग करना है। अगर मुझे वीडियो अच्छी लगेगी, आपका वीडियो वहाँ से उठा करके मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को बनाइए। मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट सिर्फ इस वजह से प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि अभी आपके पास मौका है, आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, बस आपको चीज़ें समझनी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।